तो अभी मैं बता रही थी न्यूमरोलॉजी क्या होती है, और न्यूमरोलॉजी में भी आज जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी दोनों की बात होगी, क्योंकि आज से अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं तो उस समय तक लोग मोबाइल इनफैक्ट सबके पास नहीं हुआ करता था, तब मोबाइल एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था, कुछ लोग मोबाइल को यूज करते थे और जिनके पास वो मोबाइल होता था लोग उसको एक लग्जरी समझते थे, लेकिन आज की डेट में वो एक जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गया है। अगर हमारा मोबाइल कहीं आधे घंटे के लिए भी छूट जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ रुक गई है, बिल्कुल लगता है कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें आज से पहले के जमाने की, तो उस समय लोग चिट्ठियां लिखा करते थे, उसके पहले की बात करें तो वो कबूतर उड़ा करते थे, पैगाम लेकर जाते थे, या हमने अगर पुराने इतिहास में सुना होगा कि संदेश वाहक होते थे, वो चिट्ठी लेकर घोड़े से जाते थे और देकर आते थे। और आज के टाइम में ईमेल्स आ गए हैं, हम मोबाइल पे तुरंत व्हाट्सएप फेसबुक उन सब चीजों से तुरंत टेक्नोलॉजी को यूज करके हम तुरंत मतलब लाइफ को हमने मुट्ठी में कर लिया है, कर लो दुनिया मिट्टू में धीरू भाई अंबानी। तो ये जो मोबाइल है ये जो घर घर पहुंच गए हैं, आज हम अपने जो एकदम क्लोज से क्लोज कह सकते हैं कि रिलेटिव्स हो या मदर फादर या पेरेंट्स के लिए या फिर बच्चों की कहें, उनका भी जितना फेस नहीं देखते उससे ज्यादा हम अपने मोबाइल को देखते हैं। तो मोबाइल हमारी लाइफ का अहम हिस्सा बन गया है और उसके जो नंबर है वो भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज हम इन सब के बारे में जानेंगे क्योंकि नंबर्स मीन्स अ लॉट, बहुत कुछ कहते हैं नंबर। नंबर हमें हमारी जिंदगी का एक आईना बता सकते हैं, लेकिन आज तक ये होता था कि हम नंबर्स हमें चूज करते थे, जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ जो मिली वो हमें हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, वो ईश्वर ने तय की है, हमें एक जो कह सकते हैं कि डेट दी है वो उनकी दी हुई है, लेकिन हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को तो नहीं बदल सकते, लेकिन बहुत सारे नंबर जैसे मोबाइल नंबर हमें चूज करते थे। हम जाते हैं मोबाइल सेंटर्स पे और उनको कहते हैं कि आप मोबाइल का भाई मुझे इसमें जाना है, एयरटेल का लेना है, वोडाफोन का लेना है, रिलायंस का लेना है, जिसका भी आपने नंबर लेना है आप उसके यहाँ गए और एक सिम दी उन्होंने और आप लेकर आ गए, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो आपको एक दो नंबर दिखाया। लेकिन आज की डेट में आप अपनी पसंद का नंबर ले सकते हो, आपको जिस चीज की अपनी लाइफ में रिक्वायरमेंट है वो फ्रिक्वेंसी पाने के लिए आप उससे रिलेटेड नंबर ले सकते हो, जिससे कि आप अपनी लाइफ को और ज्यादा इन्हेंस कर सकते हो, अपने लक को और बना सकते हो। आज मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी कि कैसे हम अपने लक को और ज्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, और भगवान ने हमें जो पोटेंशियल देकर भेजा है उसमें हम एक बूस्टर लगा सकते हैं और अपनी लाइफ को भगवान को उस आशीर्वाद को पा सकते हैं जो हमारे लिए है, लेकिन कई बार हम उसे अनजाने में नहीं अचीव कर पाते, नहीं ले पाते। तो आप सब तैयार है आज इस टाइम जानने? अभी मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अभी मैं ये बता रही हूँ जो हमारे अगर नंबर्स की बात करें तो कितने नंबर है, अगर हम कितने भी नंबर लें, कितनी भी डिजिट लें, अगर आप उनको ऐड करोगे तो वो वापस 1 से लेकर 9 तक इन्हीं नंबर्स के बीच में घूमते रहेंगे। Yes. 9 के बाद अगर 10 आता है तो 1+0 करोगे 10 1 आएगा, 1+1 करोगे 2 आएगा, 1+3 करोगे 4 आएगा, 1+4 करोगे 5 आएगा, 1+5 करोगे 6 आएगा, 1+6 करोगे 7 आएगा, 1+7 करोगे 8 आएगा, 1+8 करोगे 9 आएगा, और 1+9 करोगे तो अगेन 10 आ जाएगा, दैट मीन्स फिर से 1। यानी हमारा पूरा लाइफ सर्कल जो है वो 9 के अंदर इर्द गिर्द घूमता रहता है। अभी मैं आप सबको एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, कई बार होता है हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान ही नहीं देते, अगर आप अपनी लाइफ के इंसिडेंट को ध्यान में रखोगे तो आप देखोगे कि हर 9 साल के बाद लगभग वही पीरियड आपकी लाइफ में भी वापस आता है। आप देखोगे कि जब कभी भी आपने अनएक्सपेक्टेड कुछ गेन किया है या जब भी कुछ अच्छा होता है तो आप फील करोगे कि बिल्कुल 9 साल के बाद उसी ईयर में अगर आप देखोगे तो आप सेम फ्रीक्वेंसी महसूस करोगे।
आप सब इसके ऊपर एक बार ध्यान देकर के आज इस क्लास को क्लोज करने के बाद जब ये ओवर होगी उसके बाद आप एक बार अपनी लाइफ के इंसिडेंट को ध्यान से देखना और सच में जब आप देखोगे तो आप अमेजिंग रिजल्ट आपको नजर आएगा और आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाओगे कि वाओ इससे तो कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। और जब ये चीज समझ में आएगी तो आप आने वाले सालों के लिए उसी हिसाब से वर्क करना स्टार्ट कर दोगे ताकि जिस साल में आपको बेहतर रिजल्ट मिला है उस समय में आप अपने एफर्ट्स को और ज्यादा बढ़ा दोगे ताकि और ज्यादा अच्छे रिजल्ट हो। लेकिन जिस साल में आपको परेशानी आई है उस समय में आप केयरफुल हो जाओगे ताकि कैसे मैं इनको और सबसाइड कर दूं, कम कर सकूं। तो ये है न्यूमरोलॉजी का पावर। तो अभी मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आपको वो 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स होते हैं उनके ट्रेंड के बारे में बताऊंगी कि वो नंबर्स हमें क्या कहते हैं, उनका मतलब क्या है और उनसे हमें क्या समझ आता है। तो अगर हम सबसे पहले नंबर की बात करें, एक नंबर यानी एक नंबर जो होता है वो नंबर होता है जिसे हम सन से, फादर से या फादरली फिगर इनसे रिलेट करते हैं। अभी सन कौन है, सन के अंदर क्या है, पावर है, पोजिशन है, नेम, फेम। बिना सन के क्या कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी सन के अंदर एक ऑथोरिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। यानी जो हमारा एक नंबर है वो एक नंबर हमारे इन चीजों को बताता है, हमारे नेचर के थ्रेड के बारे में बताता है, हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। अभी ये हमारी पर्सनालिटी से कैसे रिलेट होगा, हमारी लाइफ स्टाइल से, बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल नंबर से, हम इसको कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी आप ये समझ सकते हो कि जो हमारा वन नंबर है जिसे हम सन, जो 9 प्लैनेट होते हैं, बेसिकली प्लैनेट तो 7 होते हैं, जो शैडो प्लैनेट है मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन जो वन है, वन के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, फ्रीडम होती है, मतलब फ्रीडम लवर होते हैं ये, किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते, कोई भी उनके ऊपर टोका टोकी करे ये उनको पसंद नहीं होता, बिल्कुल वो ऐसे काम ही नहीं कर सकते। क्योंकि वन नंबर जिसके पास पावर होता है, अभी सन के पास पावर है तो ईगो आएगा ही, तो थोड़े से इगोइस्टिक भी होते हैं, लेकिन वो अपनी बातों को लेके फर्म होते हैं, उस तरीके की पर्सनैलिटी होती है। एक नंबर बिगिनिंग का, किसी भी नए इवेंट का, नई शुरुआत का नंबर भी होता है, ये इंटेलेक्चुअल नंबर होता है, बहुत इनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, लेकिन साथ में एग्रेसिव भी होते हैं। एक नंबर जो सन का होता है उसका कलर ऑरेंज होता है, अभी ऑरेंज रेड वगैरह सारे वन नंबर के कलर्स में आते हैं। अभी मैं आपको कोशिश करूंगी कि आप सबने, आप सबको ऐसा लग रहा है कि आप सब यहाँ पे फ्री में आए हो, ये फ्री वेबिनार है, लेकिन मैं हमेशा अपने हर फ्री वेबिनार में यही कहती हूँ कि मेरी कोशिश रहती है कि अगर आपने मुझे अपनी लाइफ का ये इम्पोर्टेंट समय दिया है जो बहुत बेसकीमती है, आपका ये समय कभी भी वापस नहीं आने वाला, तो आप ऐसा ना सोचे कि आपने ये क्लास फ्री में ज्वाइन की है, आपने अपना 1 घंटे का समय लगाया है, तो मैं चाहूंगी आपसे कि आप यहाँ से उतना लेकर जाएं, आपको बेसिक चीजें इसके बारे में पता चल जाए और मैं कुछ रेमेडीज कुछ इतना सा देकर भेजूं कि आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बहुत सारी चीजों को समझ पाओ। तो अब बात करती हूँ मैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 जो मून का होता है, अभी मून आपने देखा होगा, चंद्रमा कैसे होता है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, इसका 15 डेज का साइकिल होता है, फुल मून और नो मून। तो जिस दिन अमावस्या होती है एक बार पूर्णिमा आती है, तो उसी तरीके से जो 2 नंबर है इन लोगों के अंदर आप देखोगे ये वाटर एलिमेंट होता है और फीमेल वाला, मतलब इसको हम मून के साथ साथ रानी से भी, जैसे एक नंबर के लिए मैंने बताया था कि इसको हम राजा मानते हैं, किंग मानते हैं, वैसे इसको हम क्वीन मानते हैं या मदर कह सकते हैं, कि 2 नंबर के अंदर एक बहुत कूल सॉफ्ट नेचर होता है, जो फीमेल वाला गुण होते हैं वैसा नेचर, क्योंकि कहा जाता है कि फीमेल का नेचर सॉफ्ट होता है, लेकिन इनमें मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और ऐसे जो लोग होते हैं वो जल्दी से अपने ऊपर गलतियां नहीं लेते, अपनी गलतियां दूसरे पे मढ़ने में तेज होते हैं, या कोई एक सहारा चाहिए होता है जिसके सहारे वो आगे बढ़ता है, इन्हें हमेशा एक पुश चाहिए होता है, लेकिन ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, इनका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है, सोशल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं,
ड्रीमर होते हैं, म्यूजिक लवर होते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज है। इनका कलर जो होता है ये व्हाइट होता है, व्हाइट ऑफ व्हाइट दोनों कलर चलता है इनमें।